अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो है वो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है? ये वो वेलोसिटी होती है जिसकी वजह से कोई भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट हमारी इस अर्थ या हमारे सोलर सिस्टम में या आउट ऑफ द सोलर सिस्टम में किसी भी प्लैनेट के अराउंड कंटिन्यूसली मूव कर सके। वो मिनिमम स्पीड जिसकी वजह से कोई भी बॉडी इस काबिल हो कि वो किसी प्लैनेट के अराउंड मूव कर सके, दैट पर्टिकुलर स्पीड इज नोन एज ऑर्बिटल वेलोसिटी। द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू मूव अ सैटेलाइट अराउंड अ प्लैनेट इज नोन एज ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो यहाँ पर हम कहते हैं, कंसीडर कीजिए कि हमारे पास एक सैटेलाइट है, उसका मास एम है और वो वी वेलोसिटी के साथ हमारी अर्थ के अराउंड मूव कर रही है जिसका रेडियस आर है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी हमारी सैटेलाइट और अर्थ के बीच में, और जो सेंट्रिपिटल फोर्स होगी जिसकी वजह से हमारी सैटेलाइट अर्थ के अराउंड मूव कर रही है, दोनों बराबर होंगे क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी अर्थ और सैटेलाइट के बीच में है और सेंट्रिपिटल फोर्स भी अर्थ और सैटेलाइट के बीच में है। तो दैट इज व्हाई बोथ फोर्सेस आर इक्वल। हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला, न्यूटन के ग्रेविटेशनल फॉर्मूला के मुताबिक एफ इज इक्वल टू जी एम एम m1 m2 upon r square। यहाँ पर जो g की वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी, m हमारे पास मास ऑफ सैटेलाइट स्मॉल हो गया, कैपिटल m e जो है वो हमारे पास मास ऑफ द अर्थ है, और जो डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सैटेलाइट है वो r ही रखा है यहाँ पर, तो r square। सिमिलरली जो सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? f is equals to mv square upon r। तो यहाँ पर वही रहेगा, m से मुराद यहाँ पर क्या है? मास ऑफ सैटेलाइट, v से यहाँ पे क्या मुराद है? वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, और रेडियस से क्या मुराद है? रेडियस द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सैटेलाइट। तो यहाँ पर इसको भी ही रहने देते हैं, क्योंकि ये दोनों की दोनों फोर्सेस, चाहे सेंट्रिपिटल फोर्स हो या ग्रेविटेशनल फोर्स हो, ये दोनों की दोनों फोर्सेस जो है वो अर्थ के बीच में है और सैटेलाइट के बीच में है, तो ऑब्वियसली दोनों फोर्सेस बराबर होंगे। तो मैंने क्या करा, सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को एक दूसरे के बराबर कर दिया। तो हमारे पास क्या आया? हमारे पास वैल्यू आई जी एम बी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू जी एम एम ई अपॉन आर स्क्वायर। तो अगले स्टेप में क्या हो रहा है? अगले स्टेप में इस मास को कैंसिल कर रहा है ये वाला मास, और इस आर स्क्वायर को कैंसिल करेगा मेरा ये आर। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बच जाएगा? हमारे पास फॉर्मूला बचेगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और इसको कहा है कि कंसीडर कर लीजिए कि यह है इक्वेशन वन। ठीक है, अब कोई भी बॉडी, क्योंकि जब जमीन के अराउंड मूव कर रही होती है जैसे कि मेरी सैटेलाइट है, तो इसका और अर्थ का ताल्लुक इसकी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन से, यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से भी हो सकता है। ठीक है, और इसके वेट से भी ताल्लुक हो सकता है। क्यों? क्योंकि किसी भी बॉडी का जितना ज्यादा वेट होगा उसको हमें अर्थ से उतना ही ज्यादा दूर रखना पड़ेगा, अगर हम ये चाहते हैं कि हम उसको जमीन के अराउंड रिवॉल्व करवाएं एक लंबे टाइम पीरियड के। इसका मतलब क्या है? किसी भी बॉडी की ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो सीधा ताल्लुक होता है वो उसके वेट से भी होता है। तो हमने क्या कहा? हमने कहा कंसीडर कर लेते हैं इस बॉडी का वेट जो कि बराबर होगा एम जी के, और जब बॉडी के वेट की बात करेंगे तो बॉडी का वेट जो है वो अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द बॉडी है, और ग्रेविटेशनल फोर्स अभी भी बताया है कि इज द अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड द बॉडी। तो इस सूरत हाल में, इस केस में क्या होगा? इस केस में ये होगा कि जो बॉडी का वेट है वो भी बराबर होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो इसके लिए हमने क्या करा? इसके लिए हम सब जानते हैं वेट का फॉर्मूला, वेट बराबर होता है एम जी के, और ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर दिस केस इसके बराबर होगा जी एम एम ई अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर m से m की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास g की वैल्यू क्या बचेगी? g की वैल्यू बचेगी g, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू कैपिटल g मास ऑफ अर्थ अपॉन r स्क्वायर को मैंने यहां पर ब्रेक कर दिया है r मल्टीप्लाई बाय r में, जिसमें से इस r को, एक r को जब मैं इक्वल टू के दूसरी तरफ भेजूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू बचेगी? मेरे पास वैल्यू बन जाएगी जी आर इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर, और इस जी आर इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर को मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर टू। मैंने ऐसा क्यों किया?
मैंने ऐसा इसीलिए किया है कि मैंने आपको बताया कि किसी भी बॉडी का जो वेट होता है उसका डायरेक्ट असर पड़ता है उसकी वेलोसिटी पर, ऑर्बिटल वेलोसिटी पर, और उसी बॉडी के वेट का डायरेक्ट ताल्लुक होता है कि किसी भी बॉडी को हमने अर्थ से कितनी दूर रखना है कि वो अर्थ के अराउंड मूव करती रहे। लेकिन यहाँ पर ये काम करने से मुझे एक फायदा हो गया, और वो फायदा क्या हुआ, यहाँ पर आप वैल्यू देखें कि वी स्क्वायर बराबर है जी एम ई अपॉन आर के और जी आर भी बराबर है जी एम ई अपॉन आर के। तो मैं कहूंगा यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं इक्वेशन वन और टू को, और जब मैं इक्वेशन वन और टू को कंपेयर करूंगा तो मुझे क्या पता लगेगा, मुझे ये पता लगेगा कि मेरी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला है वी स्क्वायर बराबर है जी एम ई अपॉन आर, और वेट और रेडियस का ताल्लुक भी किससे है, जी एम ई अपॉन आर से। जब वी स्क्वायर भी इस वैल्यू के बराबर है और जी आर भी इस वैल्यू के बराबर है तो ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। यानी कि मेरे पास अब एक नया फॉर्मूला आ जाएगा किस चीज का, ऑर्बिटल वेलोसिटी का, और वो फॉर्मूला क्या होगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर। इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए और वी की वैल्यू मालूम करने के लिए मैं दोनों तरफ रूट लूंगा और मेरे पास फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा टू डिटरमाइन द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग अराउंड द अर्थ इज वी इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर। जबकि यहां पर हम आपको बताते चले कि जी की वैल्यू जो है वो हमेशा रहेगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। आप इसको चाहो तो किलोमीटर में तब्दील कर लो, जब आप इसको किलोमीटर में तब्दील करोगे तो उसको डिवाइड करवाना पड़ेगा 1000 से, और जब आप इस वैल्यू को डिवाइड करवाएंगे 1000 से तो यानी कि 9.8 डिवाइडेड बाय 1000 तो आंसर क्या आएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.0098 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि फर्ज कीजिए कि एक बॉडी है जो कि जमीन से 1000 किलोमीटर के फासले पर है, और 1000 किलोमीटर के फासले पर उसकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम यहाँ पे मानेंगे वो कितने मानेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को भी किलोमीटर में तब्दील करते 0.0098 किलोमीटर। अब मैं क्या करूंगा, मैं 0.0098 मल्टीप्लाई बाय 1000, 9.8 आ गया, इसका अंडर रूट ले लूंगा 9.8 का, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 3.1 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये बॉडी जमीन के अराउंड जो है वो क्या करेगी, मूव करेगी। तो इस तरीके से ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला मालूम किया जाता है और इस तरीके से ऑर्बिटल वेलोसिटी मालूम की जाती है। आई होप कि आपको आज का जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़।